हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउसवाइफ टिप्स। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन को दबा के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे कैसे इजी तरीके से हम बना सकते हैं शेज़वान सॉस, जिसको हम चाइनीज़ चटनी भी कहते हैं। शेज़वान सॉस को हम काफ़ी सारे फूड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई चाइनीज़ फूड हो, शेज़वान फ्रेंकी हो, बाकी सारे कहीं सारे हम फूड्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं शेज़वान सॉस को बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा। 8 से 10 पीस ड्राई रेड चिली, 8 से 10 पीस गार्लिक, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 4 से 5 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच विनेगर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शेज़वान सॉस बनाना। तो सबसे पहले हम ड्राई रेड चिली को 1 ग्लास पानी डालकर 20 मिनट तक इसको भिगो देंगे। तब तक हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, 20 मिनट भिगोने के बाद मिर्ची थोड़ी सी फूल गई है, इसको हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के टाइम इसमें हम 2 चम्मच वाटर ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लाल मिर्च को हमने क्रश कर लिया है। गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट भी रेडी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सॉस बनाना। सबसे पहले आप एक नॉनस्टिक पैन ले लीजिए और इसमें ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल को हम इसलिए इसमें ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि चटनी को हमें ज़्यादा दिन तक स्टोर करना हो तो स्टोर करके रख सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे अभी क्रश की हुई लाल मिर्च जो हमने अभी ही क्रश की थी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, ये सिर्फ कलर के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वापस 2 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो केचप, इसके बाद हम ऐड करेंगे सोया सॉस और इसको हम अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड कर 5 मिनट तक पकने देंगे। इसको बीच बीच में मिक्स करते रहना है। पाँच सात मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं हमारी चटनी रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर।
और 2 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हमारा शेजवान सॉस खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।